हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम्स इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज दोस्तों मैं इंडियन इकोनॉमी का पार्ट नंबर 8 आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें आपका इन्फ्लेशन एंड करेंसी से जो बचा हुआ 10 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद फिजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया इसका जो 10 क्वेश्चन है, मतलब टोटल हम 20 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से हम करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, अमंग द करेंसी कोट US डॉलर यूरो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज द बेस्ट करेंसी। मतलब इसमें आपको बताना है कि हमारा US डॉलर चाहे यूरो, इस सब में बेस्ट करेंसी कौन है। तो आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा है आंसर नंबर क्या है, फर्स्ट, यानी US जो डॉलर जो है वो हमारा क्या है, बेस्ट करेंसी है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी, यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल करेंसी आखिर क्या होता है। तो आर्टिफिशियल करेंसी के बारे में हम देख रहे हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले कि आर्टिफिशियल करेंसी होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एन एक्चुअल करेंसी, ये हमारा क्या हुआ, एक्चुअल करेंसी का एक सब्स्टिट्यूट है, दैट इज यूज्ड इन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, जो कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में यूज किया जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल करेंसी इज द स्पेशल ड्रॉइंग राइट, याद रखिएगा कि जो हमारा SDR जो है वो हमारा आर्टिफिशियल करेंसी का एक एग्जाम्पल है। बात करते हैं कि दैट वर क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा क्रिएट किया जाता है। मतलब एक्चुअल करेंसी जो है वो हमारा एक सब्स्टिट्यूट है, जिसका हम यूज कहाँ करते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में करते हैं, और इसका जो एग्जाम्पल है SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट, जो कि हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा एक क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि SDR हमारा क्या होता है। तो देखिए, SDR स्टैंड्स फॉर स्पेशल ड्रॉइंग राइट। SDR का मतलब क्या होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। इट वॉज रिप्रेजेंटेड एज एन एसेट, यह एक हमारा एसेट को रिप्रेजेंट करता है। हम आपको बता दिए थे कि एसेट और लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अगर आप बैंक में जाकर पैसा जमा कर रहे हैं तो दैट इज कॉल आपके लिए वो एसेट है, लेकिन बैंक कुछ समय के बाद जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो वही पैसा जब आपको देगी तो बैंक के लिए वो चीज़ लाइबिलिटी बन जाएगा। तो ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट ए आपको एसेट को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कुड बी यूज टू ऑफसेट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। मतलब जो हमारा पेमेंट डेफिसिट उसको क्या करता है, बैलेंस करने में यूज किया जाता है। जैसे हमारा गोल्ड होता है या रिवर्स रिजर्व करेंसी जो होता है, ये सब हमारा एक तरीके से जो भी हमारा पेमेंट जो है, पेमेंट डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए हम गोल्ड का यूज करते हैं या रिजर्व करेंसी का यूज करते हैं, इसीलिए इसको पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आपको यहां से पता चल गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The following measures should be taken when an economy is going through inflationary pressure. जब हमारा इकोनॉमी इन्फ्लेशन प्रेशर से हमारा जब गुजरता है तो इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इंक्रीज्ड, द इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस्ड, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये हमारा स्टेटमेंट सिर्फ टू ही हमारा क्या है, करेक्ट है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। The term of economics, the recession occurring two times with a small gap. A small gap के साथ क्या है, जो economy जो है वो हमारा recession होता है, उस small gap को क्या बोलते हैं। तो इसका option number 3 is the correct, इसको हम बोलते हैं deep recession। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, मतलब डिप रिसेशन। M1 इंक्लूड, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि M1, M2, M3, M4 के बारे में, M1, M2, M3 और क्या बोलते हैं M4, ये हम चारों के बारे में बता चुके हैं। M1 M2 जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नैरो मनी, ये हमारा क्या होता है, नैरो मनी, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नैरो मनी। और M3 M4 को हम बोलते हैं आपको ब्रॉड मनी, ये हमारा क्या होता है, ब्रॉड मनी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि M1 M2 M3 M4, कहने का मतलब कि जो भी हमारा मनी का सप्लाई है वो मेजरमेंट हम करते हैं M1 M2 M3 एंड M4 से। तो आखिर ये हमारा है क्या, इसको हम देखते हैं। देखिए हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए M1 M2 एंड M3 ये हमारा क्या होता है, मनी सप्लाई को मेजरमेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मनी एग्रीगेट के नाम से भी जानते हैं। M1 में क्या इंक्लूड होता है, मनी इन सर्कुलेशन प्लस
चेकेबल डिपॉजिट इन बैंक, मतलब जो भी पैसा आप बैंक में जमा किए हैं और प्लस जो आपके पास कैश है वो सब हमारा M1 में इंक्लूड हो जाएगा। M2 में क्या होगा, M1 तो होगा ही और प्लस क्या है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड जो आप या पोस्ट ऑफिस में जो आप जमा किए हैं वो M2 में हो जाएगा। M3 में होगा M2 प्लस लार्जर टाइम डिपॉजिट इन क्या है बैंक, जो हम डिपॉजिट किए हैं बैंक में और M2 प्लस लार्जर टाइम डिपॉजिट, यहाँ पे देखिए टाइम डिपॉजिट यहाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड है। तो M3 जो होता है M2 प्लस क्या है जो हमारा लार्जर टाइम जो बैंक में डिपॉजिट किए हैं वो हमारा M3 के जगह पे होगा। तो यहाँ पे M1 का मतलब क्या, करेंसी विथ पब्लिक, बिल्कुल सही है, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक, अदर डिपॉजिट विथ RBI, तो सभी मिलाकर ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं M3 में क्या होता है, तो M3 में क्या होता है, ये हमारा M1 प्लस का टोटल डिपॉजिट जो है वो हमारा क्या होगा M3 में यहाँ पे काउंट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिए फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपीज मे मीन, यानी कहने का मतलब है कि रूपीज का फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ते हैं, इट्स फ्री फ्लोट विथ अदर इंटरनेशनल करेंसी, बिल्कुल सही है, इट्स डायरेक्ट एक्सचेंज विथ एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी एट एनी प्रिस्क्राइब्ड प्लेस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, ऑप्शन बी भी हमारा सही है, इट एक्ट्स जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल करेंसी, ऑप्शन थ्री इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सो 1 and 2 मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग महात्मा गांधी सीरीज ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय द RBI हैज अ ड्रॉइंग ऑफ पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट हाउस, मतलब किस करेंसी जो हमारा कितने नोट के पीछे हमारा पार्लियामेंट का यहाँ पे क्या था फोटो था। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे 2003 का क्वेश्चन है, तो उस समय हमारा क्या पुराने वाले जो नोट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी 50 रुपये के पीछे हमारा पार्लियामेंट हाउस का हमारा पिक्चर था, ऑप्शन सी। हाँ, यहाँ पे मैच करने वाला क्वेश्चन है कि पहला में है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, उसके बाद क्या है कन्वर्टिबिलिटी ऑन ट्रेड अकाउंट, कन्वर्टिबिलिटी ऑन करेंट अकाउंट, फुल कन्वर्टिबिलिटी। देखिए पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी मतलब क्या होता है कि 60% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू बी कन्वर्टेड एट मार्केट रेट्स एंड रेस्ट एट ऑफिशियल रेट, 60% हमारा क्या हुआ मार्केट रेट में हमारा कन्वर्ट होता है और रेस्ट हमारा ऑफिशियल रेट में कन्वर्ट होता है। तो ऑप्शन ए का हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा थर्ड नंबर होगा। तो यहाँ से आप क्या है डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और बी का देख लीजिए, बी का कन्वर्टिबिलिटी ऑन ट्रेड अकाउंट, ये हमारा बी का यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यूनिफाइड एक्सचेंज रेट अप्लाइड फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओनली वेजिबल ट्रांजेक्शन BOP, मतलब फुल कन्वर्टिबिलिटी डी का हमारा कितना हो जाएगा 2, करेंट कैन बी करेंसी कैन बी कन्वर्टेड ऑन ऑल अकाउंट्स। तो फुल कन्वर्टिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो भी करेंसी जो है वो हमारा क्या होता है सभी अकाउंट में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो भी इन्फ्लेशन एंड करेंसी का क्वेश्चन था वो हमारा खत्म होता है, और जो नेक्स्ट चैप्टर है फिजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, अब उसी से क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आए हैं, और नेक्स्ट सीरीज भी हमारा स्टार्ट होगा तो फिजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया का ही क्वेश्चन चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेशनल इनकम, आपको हम बताए थे कि नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे है कि टोटल रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, नेट प्रॉफिट अर्न एंड एक्सपेंडिचर इनकम बाय प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए इसमें से कौन सा मेथड नहीं है, तो इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेथड हमारा नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड ओनली थ्रू, जो हमारा इंडिया का जो नेशनल इनकम है वो किससे एस्टिमेट करते हैं, प्रोडक्शन मेथड अलोन, एक्सपेंडिचर मेथड अलोन, प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन एंड इनकम मेथड, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, यानी प्रोडक्शन और इनकम दोनों मेथड से यहाँ पे हम एस्टिमेट करते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेफर्ड टू एज द डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड और क्या बोलते हैं डेवलपिंग हम आपको बताए थे, तो डेवलप्ड इकोनॉमी है इससे कौन सा हमारा रिलेटेड वर्ड है, कंट्री अर्निंग ह्यूज इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, कंट्री प्रोफिशिएंट इन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, कंट्रीज हैविंग लार्ज पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, एन एड वैलोरम ड्यूटी, अब यहाँ पे एक वर्ड आपके पास आया है कि एड वैलोरम ड्यूटी, ये हमारा क्या है, टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी, द वैल्यू एडेड, द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, द यूनिट ऑफ, तो पहले हम समझते हैं कि एड वैलोरम ड्यूटी है क्या। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो हमारा एड वैलोरम टैक्स जो है
इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, ये हमारा टैक्सेशन का फॉर्म है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन और अ प्रॉपर्टी। ये हमारा टैक्सेशन का एक फॉर्म है जो कि बेस किस पे बेसिस पे है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं या जो भी हमारा प्रॉपर्टी का जो हम वैल्यू है उसी के बेस पे हमारा वैल्यूम टैक्स ये हमारा डिपेंड करता है। इट इज जनरली कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी का आपका वैल्यू है उस पे हम क्या करते हैं, यानी प्राइस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यूम ड्यूटी को। अब रेदर देन ऑन साइज, मतलब उस ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, वेट कितना है, क्वांटिटी उस पर डिपेंड नहीं करता, सिंपली ये बात कर रहा है प्राइस का, तो उसका प्राइस कितना है, वैल्यू कितना है, इस चीज पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे बात कर एडवर्ब, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू, देखिए यहाँ पे SLR स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो ये हमारा क्या होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम SLR के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है कि ये हमारा स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो जो होता है इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। कहने का मतलब है कि ये एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है जो कि जो हमारा कमर्शियल बैंक जो होता है वो मेंटेन करता है अपने लिक्विड कैश को, जैसे हमारा गोल्ड हो गया या अदर सिक्योरिटी के फॉर्म में इसको क्या करता है, डिपॉजिट करता है। ये देखिए यहाँ याद रखिएगा कि दे आर नॉट रिजर्व विथ द RBI, ये RBI के द्वारा रिजर्व नहीं किया जाता है बट विथ बैंक देमसेल्फ, लेकिन हमारे बैंक के द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा ही ये रिजर्व किया जाता है। द SLR इज फिक्स्ड बाई द RBI, लेकिन जो फिक्स किया जाता है SLR वो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन बात करते हैं, टू मीट SLR कमर्शियल बैंक कैन यूज ओनली कैश, SLR इज मेंटेन बाई द बैंक विथ देमसेल्फ, SLR रिस्ट्रिक्ट एंड बैंक लिवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू मनी। इसका हम आंसर अगर हम देखें तो आंसर सी, यानी कहने का मतलब है कि SLR इज मेंटेन बाय द बैंक्स विद देमसेल्फ, बिल्कुल सही है, RBI के द्वारा नहीं मेंटेन किया जाता, बैंक के द्वारा किया जाता है। SLR रिस्ट्रिक्ट द बैंक लिवरेज इन पंपिंग मोर मनी इनटू द इकोनॉमी, 3 भी हमारा सही है। तो 2 और 3 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टू अबाउट क्या ना, वोट ऑन अकाउंट। तो यहाँ पे एक टर्म आपके पास आया है वोट ऑन अकाउंट, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वोट ऑन अकाउंट होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे कि वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है, वोट ऑन अकाउंट इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एन इनकम्बेंट गवर्नमेंट, कहने का मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट सत्ता में है, कहने का मतलब अभी क्या है BJP गवर्नमेंट, तो जो भी गवर्नमेंट या इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो भी सत्ता में है ऑप्टेन वोट्स फ्रॉम पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से क्या ना वोट क्या लेती है, टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड है उससे मनी क्या करते हैं ड्रॉ करने के लिए वो वोट क्या ना लेती है, किससे, पार्लियामेंट से, टू मीट इट्स एक्सपेंसेस, जो भी इसका खर्च है उसको मीट करने के लिए जब तक कि इलेक्शन हमारा डन नहीं हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वोट एंड अकाउंट। तो अगर इसका हम आंसर का बात करें तो इट इज अ बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट टू कवर द डेफिसिट लेफ्ट बाय द लास्ट बजट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द रेपो रेट, यहाँ पे बात हो रहा है तो सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है बैंक रेट क्या होता है। तो देखिए बैंक रेट इज द लेंडिंग रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम द RBI, मतलब RBI से जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो मनी लेता है, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी, उसको हम क्या बोलते हैं बैंक रेट। मतलब बैंक रेट का मतलब क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक जो है वो RBI से क्या करते हैं, वो मनी बोरो करते हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी के, उसको बैंक रेट बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, RBI लेंड्स मनी टू द बैंक, RBI क्या करता है बैंक को मनी देता है अगेंस्ट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म, ये याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म के लिए जो RBI जो बैंक को मनी देती है वो हमारा रेपो रेट हुआ। यहाँ पे आप नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट RBI बोरोइंग दियर सरप्लस फंड्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, मतलब जो भी जो RBI है वो कमर्शियल बैंक से क्या है ये हमारा पैसा लेती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि रेपो रेट इज द रेट एट विच द अदर बैंक बोरो फ्रॉम द, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 हमारा इनकरेक्ट है। सो ए इज द मतलब ऑप्शन ए हमारा क्या है आंसर सही है। द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वायसराय, कहने का मतलब है कि जो हमारा बजट जो है वो हमारा इंडिया में कब किसके वायसराय में हमारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, यानी कैनिंग के हमारा शासन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं FRBM में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का मतलब क्या है, क्या है, तो यहाँ पे देखिए
एफआरबीएम, सबसे पहले बात करते हैं कि एफआरबीएम बिल जो होता है, बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा, जो कि 2000 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द बिल अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट इन 2003 में क्या इसको अप्रूव किया गया, बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 5 जुलाई 2004, 5 जुलाई 2004 से ये हमारा इफेक्टिव हुआ। इसका मतलब क्या है कि एफआरबीएम एक्ट एम टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी इंडिया का जो हमारा फिस्कल राजकोषीय जो भी मैनेजमेंट सिस्टम है उसका ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस करता है एफआरबीएम। द एक्ट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया टू अचीव फिस्कल स्टेबिलिटी एंड गिव्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद, जो भी हमारा इंडिया में हमारा इन्फ्लेशन उसको डील करने के लिए एफआरबीएम एक्ट का मेन एम ही है कि इंडिया में अगर इन्फ्लेशन है तो उसको कैसे डील कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और फिस्कल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो ऑप्शन इसका सी इज द करेक्ट, यानी बोथ फिस्कल एंड रिवेन्यू डेफिसिट, यानी फिस्कल एफआरबीएम जो है फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो हम टोटल 20 क्वेश्चन आपके सामने हम कर दिए हैं दोस्तों, टोटल हम 20 क्वेश्चन कर दिए हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो हम लेकर आएंगे ये आपका फिजिकल सिस्टम ऑफ इंडिया से, फिर हम 20 क्वेश्चन के साथ हम फिर से मिलेंगे दोस्तों। तब तक आप अभी 8 पार्ट में दे चुका हूँ इकोनॉमी का, तो 8 पार्ट का आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं आप कितना इसमें करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।